तो जय माता दी जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी मैं जा रही हूँ अपने खेत में नीचे सब्जी ढूंढने, देखती हूँ क्या सब्जी लगी। और शानू यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। शानू चलो उठो बेटा, उठो काम करो, नीचे चल के चलो। तो मैं जा रही हूँ नीचे अपने सब्जी ढूंढने, और अम्मा कर रही है यहाँ पे काम, जो कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को कल भी दिखा चुकी हूँ। तो चलो, यहाँ पे ना ये ग्रिलों में ये देखो, इनमें पेंट नहीं हुआ ना, ये बाद में लगी थी ना गेट वगैरह, इसमें इनमें पेंट नहीं हो रखा, इन्हें पेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसमें लग जाएगा जंग। देखो यहाँ पे मैं ढूंढती हूँ कुछ सब्जी, अगर मेरे को मिली, लगी होगी अगर कोई। ये अदरक के बूट है छोटे छोटे से, वो वैसा नहीं हुआ। देखा अद्धा पट दें देने आप चश्मा मेरे जगदा, ये देखो। और इस तरह से हम इन कुचाड़ुओं को भी नींद देंगे। इन्हें बहुत सारी खाद फेंकी हुई हमने, अब अगर इनके बीच का घास नहीं पटा गया तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा काम। और ये राजमा है, इसमें लगाएंगे हम बाड़। मिर्चों में देखो क्या, बस ये 4-5 दिनों में हो गया है सारा। जब मैं हरिद्वार गई थी ना, ये मैं पहले इसको पट के गई थी यहाँ से। और राजमा में देखो यहाँ से घास उखाड़, इसका ना घास हम पशु ये करेंगे। और भिंडी भी तोड़ूंगी मैं अभी, अगर होगी थोड़ी बहुत लगी हुई, नहीं तो करवाड़ी होगी। ये करवाड़ी बोलते हैं जिसको, कुराड़ी कुराड़ी। तो ये बैंगन है, मैं देखती हूँ कहीं बैंगन लगे होंगे एक दो एक आधा, कुछ आलू डाल के। एक तो कल लगा भी था, उसको मैं ले गई हूँ घर को ऊपर को। यहाँ पे भी छोटा है देखो, लगे तो हैं पर छोटे छोटे हैं। ये देखो एक ये है, ये लगा नीचे, एक सड़ गया देखो नीचे, वो देखो सड़ा हुआ पड़ा है। एक ये यहाँ पे ये है, एक ये है पर ये छोटे छोटे हैं। ये देखो इनमें नहीं घास पड़ा, इसमें नहीं पड़ा हुआ है घास। अभी ना तेल है, सुबह सुबह वो पड़ी हुई ना, अभी तेल है। तो चलो साथ, तो पानी है बिल्कुल ही गिल्ला है अभी। फ्रास भी नहीं होगी, ये थोड़ी बहुत हो जाएगी खाने के लिए, कर दी सब्जी बीच में आलू डाल के ना। ये देखो फिर से हो गई, ये देखो इसमें काफी लगी है, दो चार वो थी ना। और देखो एक मिर्च भी लग गई है, मैं इनका घास टूटी गई है सीधी लो। पिपली है ना, इतनी भी लग रही है मेरा रही है, ये बहुत अच्छी चल रही है। चल चलना भी लगो तो सब्जी भी, यहाँ परे तो थी नहीं, यहाँ है। ये देखो एक बैंगन यहाँ पे ये है, और इसको भी तोड़ देती हूँ मैं, नहीं तो ना, नहीं तो पता क्या होगा, ये सड़ जाएगा देखो इसमें नीचे। पर ये सड़ते नहीं, ये बैंगन ना थोड़े उसमें सड़ते नहीं, ये अभी छोटे हैं है ना। तो अभी देखो घास ही बहुत ज्यादा है, आज इसको साफ कर देंगे हम बिल्कुल पूरी तरह से, फिर तोड़ते हैं भिंडी भी। ये देखो, और अभी ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे बैंगन लगे, बहुत सारे बैंगन लगेंगे, शिमला मिर्च है अभी। कितनी बार मैंने इनका घास पट दिया, पर ये बार 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 हो जा रहा है। राजमा को ना वो देना पड़ेगा सपोर्ट के लिए, डंडे जैसे गड़ने पड़ेंगे। तोड़ता ना आधा, ये देखो तो। चलो मैं देख लेती हूँ, यहाँ बस एक बैंगन ऊपर है, एक देखा वहाँ अम्मा देख रहे हैं आप। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं भी आ चुकी हूँ यहाँ पे काम के लिए तैयार। तो ये पटके जो है, फिर ये इसको जो हम काट देंगे, ठीक है, ये पटना पड़ेगा। अगर हमने इसको काटा तो फिर ये फिर से आता रहेगा, और नीचे जड़ें इसकी मजबूत होती जाएंगी, तो फिर ये जो अरबी है या कुछ भी यहाँ बहुत सारा है उसमें फिर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो सीधा रखेगा इधर क्या, इनको पर एक भी दिखा दे सामने,
अम्मा को भी दिखा दे, अम्मा कैसे करी इसको काट के। मम्मी जो दिखाना है क्या है ले मां से सुन। ओ ये क्या बोले अम्मा, देखना बना ये क्या बोले ये ना बना कहां के लेके तो मांग दे सी। वीडियो नहीं है यार, कितने मिनट तक बनानी मम्मी? दो तीन क्या करनी, एक डेढ़ मिनट मेरे को बताया अभी कितना, अभी जो बताया लग लगे मेरा तो कितना मेहनती है देखो, ये और कितना काम करता हूँ। वीडियो नहीं आई जो मम्मी पहला बजाते साथ है तो सर सब कुछ है। और ये घास भी पशुओं को हो जाएगा। वही है डेढ़ मिनट जी। तो नीचे से आ गई थी खेत से, तो ये देखो पता कितने बैंगन हुए, दो बैंगन थे वो देखो, और ये मैंने आलू कट करे। एक मिनट तेल रख दिया यहाँ पे मसालेदार में हमारी, और ये रहे हमारे दो बैंगन अपने खेत के, थोड़े से मैंने आलू करे थे साथ, ये प्याज करा है। तो चलिए तेल हमारा गर्म हो चुका है और थोड़ी सी मेथी डाल देते हैं क्योंकि अम्मा नहीं खाती मेथी, अम्मा बोलती कि मेरे को कड़वा लगता है। और डाल दिया धनिया और साथ में डाल दिया हमने जीरा, ठीक है। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें अभी लाल मिर्च, ये वाले डालेंगे, दूसरी नहीं डालेंगे, ये वाले डालेंगे। नमक मैं यहाँ से उठा दूंगी, ठीक है। और ये डाल दिया मैंने प्याज, सिंपल सा तड़का हमारे आलू बैंगन में, अपने घर के जो आलू बैंगन का मजा ही कुछ और होता है। सच्ची है चलिए जी, और मसाले में बाद में डालूंगी इसमें, बड़ा मजा आ रहा है नए घर में कुकिंग करने का। अच्छा आप लोगों ने देखा चिट चट कटा हुआ जीरा, अरविंदर दीदी बोल रहे थे कि मैंने आपके सब्जी बनते हुए देख के बहुत दिन हो गए। तो ये देखिए हो गया प्याज, लहसुन मैंने अभी नहीं काटा, और अभी मैं इसमें डालूंगी नमक थोड़ा सा, और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें मिर्च, ये तो थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें गर्म मसाला, ज्यादा नहीं डालूंगी। और यहाँ पे हनी कर रहा है कुछ, ये देखो हनी क्या कर रहा है तू, देखो खेत में थी मूली, बता तो कितनी बड़ी है ना, सर इतनी याद आते है, बेसीजनी है ना ये देखो। तो इसको दरवाजे को मैं बंद रखती हूँ क्योंकि ताकि धुआं अंदर ना जाए। खाता खा बस चावल तैयार है, बच्चों को लगी है भूख, और शाम के ना ये भी बच्चे चने भी, ये देखो यहाँ पे चने बच्चे यहाँ पे दूध खा रहा है। मैंने ये खीर थी, खीर तो चट कर गई है, अब इसको धोने को रख देते हैं साइड। चलिए हो गया हमारा मसाला, ये देखो तो चलिए अभी हम आलू डाल देंगे इसमें। अरे बाबा हल्दी को डाली नहीं, और साथ में डाल दूंगी मैं बैंगन। ये देखिए नीचे से लाऊंगी मैं धनिया भी, और धनिया डाल देंगे इसमें, मैं आटा लगा लेती हूँ फिर हम दो बनाएंगे इसके साथ। और
इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन, गैस कर देंगे सिम, ठीक है, फिर अच्छी बनेगी। हाँ जी, तो चलो अभी वीडियो को एंड करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये हमारे टोके में एक दिन ना ये फंस गया था लकड़ा, ये घास आगे आगे कर रहे थे इससे, तो ये इसमें फंस गया, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया था। और एक और बात, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट किए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया वीडियो को नए घर की, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी मुश्किल से छूटा यहाँ से। काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि आप नॉन स्टिक में जो है वो वुडन का यूज़ करें, तो बिल्कुल मैंने वो कल ही पहले बना दी थी वीडियो, तो उसमें मैंने वो लगाई है। पर जो वो लाई थी हमने, जो मैंने लाई थी ना वुडन की कड़छियाँ वगैरह, तैंथे वगैरह, जो उसमें ना वो कलर जैसा निकलता था, तो उनको मैंने पानी में रखा था और वो कलर नहीं निकलता। तो पिछले रात को जो सब्जी बनाई थी वो ये दिन की थी जो आपको दिखाई, तो जो रात को है बनाई है वो मैंने उससे उसमें छेड़ा लगाया नॉन स्टिक से। बाकी बहुत सारे कमेंट थे आप लोगों के उसको लेके कि नॉन स्टिक में उस तरह का यूज़ ना करें। तो चलिए इसके साथ करते हैं वीडियो का एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अपना बहुत सारा ध्यान रखना, दुआओं में याद रखना, माता रानी आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, आप सबके भी सपने पूरे हों, मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, आपके बच्चे कामयाब हों। इन्हीं दुआओं के साथ आज की वीडियो को देते हैं विराम। जय माता दी, राम राम।